नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। सुपर प्राइम टाइम में मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सुपर प्राइम टाइम में आज की बड़ी खबरें क्या है, सीधे नजर डाल लेते हैं। तीन घंटे बाद इजरायली वॉर कैबिनेट की बैठक की खबर आ रही है और बंधकों की रिहाई पर कहा जा रहा है कि इसमें चर्चा होगी। साथ ही साथ जानकारी ये मिल रही है इस वक्त की हमास पर हमलों की नई रणनीति पर चर्चा होगी। इसके अलावा अल शिफा अस्पताल में आईडीएफ का ऑपरेशन जारी है, ये बड़ी खबर आ रही है। अस्पताल के हर फ्लोर की स्कैनिंग की जा रही है, हर इमारत में जारी है सर्च ऑपरेशन। ये बड़ी खबरें इस वक्त तमाम वॉर जोन से सामने आ रही हैं। ईरान और हमास ने मिलकर गाजा युद्ध को खत्म करने का महाविध्वंसक प्लान तैयार किया है। इसका पहला लक्ष्य है इसराइल का खात्मा और दूसरा लक्ष्य है फिलिस्तीन की पुनर्स्थापना। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्लान नवंबर की शुरुआत में तेहरान में बनाया गया। तेहरान में हमास लीडर हानिया की ईरान सुप्रीम लीडर से मुलाकात हुई और इसराइल को खत्म करने का कोड डिमोरा एक्टिवेट कर दिया गया। कोड डिमोरा का मतलब है बिना परमाणु हथियार प्रयोग किए इसराइल पर परमाणु हमला। हमास ये कैसे करने वाला है और इसराइल अमेरिका से मिलकर इस विध्वंस को रोकने के लिए क्या इंतजाम कर रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। İsrail, sende atom bombası, nükleer bomba var. Ve bununla tehdit ediyorsun. One of them is President Erdogan of Turkey. लक्ष्य फिलिस्तीन निर्माण, इसराइल में परमाणु संघार, क्या यही है हमास और ईरान का प्लान? अब तक युद्ध की दिशा और दशा से यही लगा कि गाजा के समतल होने के बाद इसराइल का प्लान गाजा को नष्ट कर इसराइल का विस्तार करना है। लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय जगत में हलचल कुछ और नजर आ रही है। हमास के पक्ष में खड़ी संगठित शक्तियों ने घोषणा कर दी है कि फिलिस्तीन का निर्माण होकर रहेगा। टू नेशन थ्योरी ही युद्ध का समाधान है। वो एक बार फिर 1947 वाली स्थिति बनने जा रही है। क्या एक बार फिर फिलिस्तीन का नक्शा 1947 जैसा होने वाला है और क्या हमास समर्थकों की ये कोशिश न्यूक्लियर युद्ध की चिंगारी बन सकती है? क्योंकि हमास समर्थकों ने ऐलान कर दिया है कि फिलिस्तीन की पुनर्स्थापना होकर रहेगी। रूस ने संयुक्त राष्ट्र में कहा है कि इजराइल और अमेरिका फिलिस्तीनियों को खत्म करना चाहते हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने कहा है कि उनकी सरकार फिलिस्तीन को मान्यता देने पर विचार कर रही है। अरब के कई देश हैं जो इसराइल के अस्तित्व को मानते ही नहीं है और अब फिलिस्तीन की पुनर्स्थापना की मुहिम शुरू कर दी गई है। इसराइल को टेररिस्ट स्टेट यानी आतंकी देश घोषित किया जा रहा है और फिलिस्तीनी नस्ल के संघार का दोषी ठहराया जा रहा है। İsrail, sende atom bombası, nükleer bomba var ve bununla tehdit ediyorsun. Bunları biz biliyoruz. Ve artık ecelin geliyor. İstediğin kadar nükleer bombaya sahip ol. Neye sahip olursan ol ama gidicisin. İsrail, sende atom bombası, nükleer bomba var ve bununla tehdit ediyorsun. तुर्की ने सोच समझकर इसराइल के परमाणु हथियारों का मुद्दा विश्व मंच पर उठाया है। इसका मकसद है इसराइल के अवैध परमाणु हथियारों को मुद्दा बनाकर उसे घेरना।
इसराइल ने भी तुर्की के इस कोशिश को आतंक का समर्थन करार दिया है। There are forces that support the terrorists, and one of them is President Erdogan of Turkey, who calls Israel a terrorist state, but actually supports the terrorist state of Hamas. तुर्की के बयान से साफ है कि अब हमास समर्थकों के निशाने पर इसराइल के न्यूक्लियर बेस और परमाणु हथियार हैं। रिपोर्ट है कि इस प्लान को नवंबर के पहले हफ्ते में तैयार किया गया। नवंबर की शुरुआत में हमास के लीडर हानिया और ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की तेहरान में मुलाकात हुई थी। इस मीटिंग में खामनेई ने कहा कि ईरान को हमास का समर्थन लगातार जारी रहेगा, लेकिन युद्ध में सीधे ईरान नहीं कूदेगा। खामनेई के बयान का मतलब है कि हमास को हिजबुल्ला का समर्थन जारी रहेगा। हमास के जरिए ईरान अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाएगा। इसराइल में रेडिएशन विस्फोट के लिए हमास का इस्तेमाल किया जाएगा। खुफिया रिपोर्ट है कि ईरान और हमास मिलकर इसराइल के न्यूक्लियर सेंटर्स पर हमले का प्लान बना रहे हैं, और ये सेंटर्स इसराइल के अलग अलग हिस्सों में मौजूद हैं। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट सेंटर फॉर नॉन प्रोलिफरेशन स्टडीज और कार्नीज एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस की रिपोर्ट है कि नेगेव रेगिस्तान में डिमोना नाम का एक न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है। यहां प्लूटोनियम का प्रोडक्शन और हथियारों से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसराइल का दूसरा हथियार भंडार एलाबन में है। यहां टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार रखे होने की रिपोर्ट भी सामने आई है। कफार जखारिया इसराइल का संदिग्ध न्यूक्लियर मिसाइल बेस है। नाहल सोरेक में हथियारों के डिजाइन निर्माण और रिसर्च का काम होता है। योदेफात में इसराइल की संदिग्ध न्यूक्लियर वेपन असेंबली फैसिलिटी है। तिरोश में इसराइल का परमाणु हथियार भंडार होने की रिपोर्ट सामने आई है। और इधर राफाल में भी इसराइल की न्यूक्लियर वेपन असेंबली फैसिलिटी होने की रिपोर्ट सामने आई है। माना जा रहा है कि ईरान और तुर्की ने मिलकर इसराइल के इन परमाणु ठिकानों पर हमले करके इसराइल के अंत का प्लान तैयार किया है। क्योंकि टू नेशन थ्योरी इसराइल को कभी मंजूर नहीं होगी, और इसीलिए इसराइल को रेडिएशन से खत्म करके ईरान अपना सबसे बड़ा खतरा खत्म करना चाहता है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम में इसराइल सबसे बड़ी बाधा है, और ईरान भी परमाणु हथियार बनाने के करीब है। आईएईए की रिपोर्ट है कि ईरान 60% तक यूरेनियम संवर्धन कर चुका है। 60% संवर्धित यूरेनियम वेपन ग्रेड यूरेनियम के बहुत करीब होता है। अगर 60% से ज्यादा संवर्धित किया गया तो इससे 3 परमाणु बम तैयार किए जा सकते हैं। मतलब ये कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। परमाणु केंद्र पर हमले की धमकी देने वाले इसराइल को खत्म करने का प्लान तैयार कर रहा है। इसीलिए हमास, हिजबुल्ला और हूती सहित कई संगठनों को इसराइल के खिलाफ युद्ध में उतार दिया गया है। ईरान के इस प्लान पर पुख्ता होने की मोहर अमेरिकी सेना की एक गतिविधि से लग रही है। अमेरिका ने इसराइल की जमीन पर अपनी सेना उतार दी है। एक अरबी अखबार ने लेबनीज खुफिया एजेंसी के हवाले से यह दावा किया है कि अमेरिका के 2000 सैनिक इसराइल पहुंच चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी सेना ने इसराइल के न्यूक्लियर ठिकानों की जिम्मेदारी और सुरक्षा अपने हाथ में ले ली है। खबर है कि 2 न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर्स की सुरक्षा यूएस सेना ने संभाल ली है। पहला न्यूक्लियर बेस है डिमोना, जहां यूएस सेना पहुंच चुकी है। दूसरा न्यूक्लियर बेस नेगेव रेगिस्तान में है, जिसकी सुरक्षा यूएस सेना को सौंप दी गई है। यूएस ने इन न्यूक्लियर ठिकानों पर लेटेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं। आशंका गहरा रही है कि हमास के रॉकेट, हिजबुल्ला या हूती की मिसाइलें इसराइल के न्यूक्लियर ठिकानों पर बरस सकती हैं, और अगर ऐसा हुआ तो अरब से विश्व विनाश करने वाला युद्ध शुरू हो जाएगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर आ रही है, हिज़्बुल्लाह के ठिकाने पर इसराइल की बमबारी हुई है। इजरायली एयरफोर्स ने ध्वस्त किए हैं ठिकाने। लबनान की सीमा में घुसकर इसराइल की बमबारी हुई है और हिज़्बुल्लाह के हथियार डिपो ध्वस्त किए गए हैं। उत्तरी गाजा से इजरायली सेना ने ग्राउंड ऑपरेशन का आगाज किया था और 41 दिन के भीतर ही आधा से ज्यादा गाजा इजरायली सेना के कंट्रोल में आ चुका है। मौजूदा वक्त में IDF की टुकड़ी सेंट्रल गाजा में डटी हुई है, लेकिन हमास के खात्मे के लिए नेतन्याहू ने अपनी युद्ध नीति में फिर से बदलाव किया है। वो ये कि अब इजरायली सेना दक्षिण गाजा में गदन मचाएगी, खान यूनिस से राफा क्रॉसिंग तक बारूदी बवंडर लाएगी। जानते हैं, दक्षिण गाजा पर तीन तरफ से हमले का प्लान भी तैयार हो चुका है। तो क्या ग्राउंड ऑपरेशन के दूसरे चरण के साथ ही हमास के खात्मे का काउंटडाउन ऑन हो जाएगा? देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर गाजा से शुरू हुआ IDF का ग्राउंड ऑपरेशन सेंट्रल गाजा तक जा पहुंचा है। गाजा सिटी में इजरायली सेना का कब्जा करीब करीब हो चुका है। मगर जल्द ही गाजा के दक्षिण पूर्वी इलाके से हमला होगा। जल्द ही साउथ ईस्टर्न गाजा से IDF के ग्राउंड ऑपरेशन का फेज 2 यानी दूसरा चरण शुरू होगा, वो भी पहले से ज्यादा विध्वंसक और विस्फोटक अंदाज में। नेतन्याहू ने हमास के संपूर्ण खात्मे का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है और ये अंजाम तक तभी पहुंचेगा जब उत्तर गाजा की तरह दक्षिण पूर्वी गाजा से हमास की घेराबंदी हो। लिहाजा इसके लिए IDF ने अटैक प्लान भी तैयार कर लिया है। वो ये कि दक्षिण पूर्वी गाजा से मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज होगा। इसराइली सेना तीन तरफ से गाजा पट्टी का घेराव करेगी। अटैक से पहले IDF दक्षिणी गाजा में पर्चे भी गिरा रही है। खान यूनिस को खाली करने की चेतावनी भी दी जा रही है। दक्षिण गाजा में खान यूनिस काफी बड़ा शहर है जिसमें लाखों की तादाद में लोग रहते हैं। वहीं इस इलाके में हमास का भी दबदबा है। ऐसे में IDF बाकायदा आसमान से पर्चे गिराकर खान यूनिस इलाके को जल्द से जल्द खाली करने की वार्निंग दे रही है। आपको बता दें कि खान यूनिस के कुछ बड़े इलाके IDF के टारगेट पर हैं। मसलन दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में कई ऐसे छोटे छोटे इलाके हैं जिन्हें लेकर IDF को आशंका है कि यहां हमास के आतंकी छिपे हो सकते हैं। इन इलाकों में हमास की सुरंगें हो सकती हैं, लिहाजा इस कड़ी में पहला नाम है अल करारा, दूसरा खुजा, तीसरा इलाका है बानी सुहेला और चौथा इलाका है अबासान। इन चारों इलाकों को इजरायली सेना ने फौरन खाली करने की चेतावनी दे दी है ताकि ग्राउंड ऑपरेशन का आगाज हो सके। हैरानी इस बात की है कि गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने से पहले इजरायली सेना ने उत्तरी इजराइल को खाली करने का फरमान जारी किया था, जिसके बाद राफा क्रॉसिंग के जरिए सैकड़ों लोग गाजा से निकले। बाकायदा IDF ने पलायन कर रहे लोगों के लिए सेफ पैसेज भी बनाया था, मगर इस बार दक्षिणी इजराइल को खाली करने की चेतावनी दी गई बिना किसी सेफ पैसेज के।
ऐसे में खान यूनिस और उसके आसपास रहने वाले इलाकों के लोग कहां जाएं, ये बड़ा सवाल है। आखिर कैसे, ये भी आपको बताते हैं। और इसी के साथ ही बीते 41 दिनों से गाजा पट्टी में इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन लगातार जारी है। और आप जानते हैं कि इन 41 दिनों में इजरायल की फौज उत्तरी गाजा के इरेज क्रॉसिंग से सेंट्रल गाजा तक कब्जा कर चुकी है, आधा से ज्यादा गाजा को कंट्रोल में ले चुकी है। फिलहाल आईडीएफ की ब्रिगेड टैंक तोपों के साथ गाजा सिटी में मोर्चा संभाली हुई है। और इतना ही नहीं, जबरदस्त तरीके से जमीनी आक्रमण को भी अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन अब इजरायली सेना का प्लान दक्षिण पूर्वी गाजा पर हमला करने का है और इसके लिए दक्षिणी गाजा के खान यूनिस इलाके को खाली करवाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया जा सके। यकीन मानिए, अगर दक्षिण पूर्वी गाजा से आईडीएफ हमला करती है तो फिर राफा क्रॉसिंग का ब्लॉक होना तय है। यहां से किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं हो सकती है, यानी खान यूनिस से लेकर राफा क्रॉसिंग तक का छोटा सा इलाका ही बचेगा जहां लाखों की तादाद में लोग फंस जाएंगे। इतना ही नहीं, इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा से सेंट्रल गाजा बॉर्डर तक 1 किलोमीटर के इलाके में बफर जोन भी बनाने की तैयारी कर ली है। जिसका मतलब ये कि हर नए दिन के साथ गाजा पर आईडीएफ का कंट्रोल बढ़ता जा रहा है। और ठीक ऐसा ही अब दक्षिण पूर्वी गाजा में करने का खाका तैयार किया गया है। यानी पहले ग्राउंड ऑपरेशन और फिर टोटल कंट्रोल। इजरायली सेना के आक्रामक तेवर इस बात का संकेत हैं कि नेतन्याहू अब हमास का संपूर्ण विनाश करके ही दम लेंगे और अपने मकसद को पूरा करने के लिए ही इजरायल ने गाजा में अपने ग्राउंड ऑपरेशन की रणनीति बदली है। यानी जिस तरह उत्तरी गाजा को तीन तरफ से घेर कर इजरायल ने हमास के बड़े ठिकानों, ट्रेनिंग बेस और अंडरग्राउंड हथियार गोदामों को नष्ट किया, अब इजरायल का टारगेट है दक्षिण गाजा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। गाजा के शेख इजालिन में भीषण युद्ध हो रहा है। इजरायली सेना और हमास के बीच गोलाबारी हुई है। हमास लड़ाकों के खिलाफ टैंक और हवाई ऑपरेशंस जारी हैं। और इधर शेख इजालिन में 2 दिन से ये जंग जारी रहने की खबर सामने आ रही है। इजराइल के ताबड़तोड़ हमले के बाद हमास के पैर गाजा से उखड़ चुके हैं। रही सही कसर अलशिफा अस्पताल पर इजराइल के कब्जे के बाद पूरी हो गई। गाजा पट्टी के सबसे बड़े अस्पताल के दक्षिण द्वार से आईडीएफ अंदर घुस चुकी है, जहां सर्च अभियान के बाद कुछ ऐसे सबूत सामने आए जिसने हमास को पूरी दुनिया में बेनकाब कर दिया है। ये वो सबूत हैं जिसका इंतजार अमेरिका के साथ पूरा यूरोप कर रहा था। माना यही जा रहा है कि इन सबूतों के सामने आने के बाद हमास के महाविध्वंस का दौर शुरू हो जाएगा। Is military equipment. There is an AK-47. All the cameras have been obstructed. You can see there's black tape covering it. Hamas ka hua pardafash. Knife. For those of you who read Arabic, you'll be able to understand what it says here. But it's Hamas, the military wing. Har sazishui khalas. अस्पताल में मिला मौत का सामान।
भीषण गोलाबारी करके गोलीबारी की आंधियों के बीच आईडीएफ के जवानों ने जान की बाजी लगाकर आखिरकार जंग के 40वें दिन गाजा पट्टी के सबसे बड़े अस्पताल पर कब्जा कर लिया। इजरायली सेना ने अल-शिफा अस्पताल में घुसते ही सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया और इसके बाद जो दुनिया के सामने आया उसने हर किसी को हैरान कर दिया। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इसराइल का खुफिया विभाग चीख चीख कर कह रहा था कि अल-शिफा अस्पताल की आड़ में हमास आतंक का मुख्यालय चला रहा है, लेकिन दुनिया को सबूत चाहिए था। अब वो सारे सबूत एक एक करके सामने आने शुरू हो गए हैं। आईडीएफ ने खुद एक वीडियो जारी करके अल-शिफा से मिले सारे सबूतों को सामने रखा है, जो साबित करता है कि वो एक अस्पताल नहीं मौत का अड्डा था। अब उन सबूतों को सिलसिलेवार ढंग से सामने लाते हैं जिसकी शुरुआत हुई थी अल-शिफा में अंदर घुसने से। अस्पताल में अंदर जाते ही जवान सीधे एमआरआई कमरे में जाता है, वहां मशीन के पीछे हथियारों का जखीरा देखा। It's definitely an MRI machine, and if you follow me behind the MRI machine, I'll show you what our troops exposed just minutes ago. In military terms, this is a grab bag, grab and go of a Hamas combatant. And if you zoom in and we get some light over here, what you'll be able to see is military equipment. There is an AK-47. There are cartridges, ammo, there are grenades in here, of course uniform, and all of that, this was hidden. जिस मशीन के पीछे ये हथियार मिले थे, उसी मशीन के पास एक और बैग था। IDF का दावा है कि उस बैग से एक लैपटॉप और कुछ खुफिया दस्तावेज मिले हैं, जो सबसे बड़े सबूत हैं। Very conveniently, secretly behind the MRI machine. On the other side, we found a backpack with what appears to be very important intelligence, including a laptop. अल-शिफा अस्पताल हमास का कमांड सेंटर था, जहां से हमले के आदेश जारी किए जाते थे, ये इजराइल का दावा था। कल तक जो दावा फसाना माना जा रहा था, सबूत सामने आने के बाद उसकी हकीकत सबके सामने। केवल एमआरआई कमरे में ही नहीं, अस्पताल के कई हिस्सों से हथियार मिले हैं। Cameras, but all of the cameras have been obstructed. You can see there's black tape covering it. And when our troops open this closet here, which is in the main part of the clinic, this is what they found. The contents of the bag are full military kit for one Hamas terrorist. A live grenade, ammunition, fighting vest with insignia, boots, and of course uniforms, and last but not least, standard AK-47. Inside the hospital, अल-शिफा गाजा पट्टी का सबसे बड़ा अस्पताल है, जहां हमले में घायल लोगों का इलाज होता था। आईडीएफ के मुताबिक हमास ने मरीजों को ह्यूमन शील्ड बना रखा था और उसकी आड़ में इसराइल पर हमले की साजिश रचता था। अब हर सबूत सामने आ चुके हैं। Let's have a look at what we found inside the very same cabinet. There's insignia, military insignia, a knife. For those of you who read Arabic, you'll be able to understand what it says here. But it's Hamas, the military wing, Kataib al-Qassam, of course a vest with equipment, and as always, an AK-47, standard gear, grab and go. The last item, which I'm sure will be very interesting to analyze, is a laptop. We found it in the MRI room. This is how the laptop looks. I don't know who it belonged to, but now it is being analyzed by our intel people. Tactical radio communications, which we will analyze. Lots of discs. अब सवाल ये खड़ा होता है कि जहां जिंदगियां बांटी जाती हैं, उस अस्पताल में इन खतरनाक हथियारों का क्या काम? अल-शिफा हथियार के मिलने के बाद अब कई सवाल खड़े होते हैं। क्या वाकई अल-शिफा अस्पताल हमास का कमांड सेंटर था?
क्या अस्पताल के 2000 मरीज हमास के मानव ढाल थे? क्या अस्पताल के सुरंगों में बंधकों को रखा गया था? ये साबित करना इजराइल के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि खुद हॉस्पिटल से जुड़े लोग आईडीएफ के दावों के विरोध में उतर आए हैं। जैसे ही सोशल मीडिया में आईडीएफ ने हथियारों की बरामदगी का वीडियो जारी किया, कुछ ही देर में उसका जवाब भी सामने आ गया। कुछ संस्थाओं ने सोशल मीडिया पर एक फुटेज जारी कर ये बताने की कोशिश की है कि आईडीएफ ने अल-शिफा अस्पताल में जब हमला किया था और उसके बाद वहां जो हथियार दिखाए गए थे उसके बगल में जो बॉक्स रखे गए थे वो दरअसल अस्पताल में हमले के बाद अंदर पहुंचाए गए। कुछ वीडियो को गौर से देखिए। एमआरआई मशीन के पास जो हथियार मिले थे उसके बगल में एक बॉक्स दिख रहा है। दावे के मुताबिक वो बॉक्स हमले के बाद अंदर पहुंचाया गया। इसकी तस्वीरें भी दिखाई गई हैं। आसपास मलबा भी बिखरा है। इससे ये दावा किया गया है कि ये तस्वीरें अस्पताल पर हमले के बाद की हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद आईडीएफ के दावे पर सवाल खड़े होने लगे हैं। वहीं इजरायली सेना पर यह भी आरोप है कि हमले के दौरान कई कीमती मेडिकल उपकरणों को तोड़ दिया गया। फिलहाल इसराइल को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके सिर पर अमेरिका का हाथ है। जिनपिंग से मुलाकात के बाद बाइडेन ने माना है कि हथियारों के मिलने के बाद ये साबित होता है कि अस्पताल हमास का अड्डा था। Weapons, material below this hospital, and I suspect others. हथियार मिलने के बाद अब सवाल ये खड़ा होता है कि आगे क्या होगा? क्या हमास के खिलाफ अब महाविध्वंस का दौर शुरू होगा जो इस संगठन को मिट्टी में मिलाकर रख देगा? ये इस बात पर निर्भर करता है कि अल-शिफा अस्पताल से मिले सबूतों को इसराइल किस तरह अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने इस्तेमाल करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत। इसराइल हमास का युद्ध अब और खतरनाक होने वाला है। गाजा पट्टी में हर दिन इसराइल के तेवर कड़े होते जा रहे हैं, लेकिन इस बीच फिर से हमास के लड़ाके खुलकर इसराइल के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। लड़ाकों ने इसराइल के कई हिस्सों को टारगेट करके संदेश दिया है कि अब हमास चुप बैठने वाला नहीं है। और बड़ी बात तो ये है कि अब हमास अकेले नहीं है, उसके साथ कई ऐसे ब्रिगेड हैं जिसके नाम भी पहले नहीं आपने सुने होंगे। वो कौन सी ब्रिगेड है, वो कैसे काम करते हैं, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। गाजा पट्टी की हर सुबह बारूदी है। हर सूर्योदय के साथ इजरायली सेना कहर बनकर बरस रही है। हर ठिकाने पर हमास का खेल खत्म किया जा रहा है, लेकिन ये सब अब आसान नहीं है। इजरायल के सामने हमास ने अब नई चुनौती और चालाकी का जाल बिछा दिया है। आईडीएफ के सामने हमास ने अपना सिर उठाया है और इजरायली राहों में हमास ने फिर से रोड़े बिछाने का काम शुरू कर दिया है। एक तरफ इजरायली सेना गाजा में आफत बनकर बरस रही है, तो दूसरी तरफ हमास फिर से इजरायल के सामने खड़े होने की कोशिश में है। इजरायली सेना गाजा पट्टी में सिर्फ मौत बरसा रही है, तो हमास इस आफत से लड़ने के लिए नई रणनीति के साथ मैदान में है। ये तस्वीरें इसी बात की गवाह है। हमास की तरफ से कहीं इजरायली ड्रोन को गिराने का दावा किया गया, तो कहीं अटैक की बात कही गई। इजरायल के अश्कलोन में रॉकेट से हमला किया गया। ये तस्वीरें इस बात की भी तस्दीक करती हैं, ना तो ये युद्ध एक तरफा है और ना ही इस युद्ध में सिर्फ इजरायल का बोलबाला है।
इससे पहले इसराइल ने गाजा पट्टी के बड़े अस्पतालों में से एक अल शिफा अस्पताल को टारगेट किया था। उसके ठीक बाद हमास चीफ के घर पर एयर स्ट्राइक करके मिट्टी में मिला दिया था। कहते हैं कि हमास चीफ हानिया का घर सिर्फ घर नहीं था, इस जगह पर हमास की मीटिंग चलती थी। यहीं से तय होता था कि आईडीएफ को कैसे घेरना है। इसमें कोई शक नहीं है कि इसराइल आफत बनकर टूट रहा है। एक दिन में सैकड़ों से ज्यादा अटैक किए जा रहे हैं। क्या घर, क्या अस्पताल, क्या हमास का सेंटर, आईडीएफ ने गाजा पट्टी के चप्पे चप्पे को बारूद के धुएं से भर दिया है। ये तय है कि ये युद्ध अभी रुकने वाला नहीं है। ना तो इसराइल मानने को तैयार है और ना ही हमास हार मानने को तैयार है। ये सच है कि हमास अभी चुप हो गया था, लेकिन हमास अब अपनी खामोशी खत्म कर रहा है। इसराइल के सामने बारूदी जवाब लेकर तैयार है। इसराइली आक्रमण के बीच हमास ने ना सिर्फ दो तीन जगहों पर अटैक किया है, बल्कि हमास को एक साथ कई ऐसी ब्रिगेड का साथ मिल रहा है जिनके नाम के बारे में अब तक किसी को कुछ मालूम नहीं है। अल अक्सा शहीद ब्रिगेड, अल नासिर सलाह अल दीन ब्रिगेड, अबू अली मुस्तफा ब्रिगेड, नेशनल रेजिस्टेंस ब्रिगेड, जिहाद जिब्रील ब्रिगेड, मुजाहिदीन ब्रिगेड, ये वो नाम है जो हमास के साथ हैं, इसराइल के खिलाफ हैं। ये वो नाम है जिनके बारे में किसी के पास कोई विशेष जानकारी नहीं है, और ना तो उनके लड़ाकों के बारे में, ना ही उनके काम करने के तरीकों को लेकर। ये वो नाम है जो सिर्फ हमास की तरफ से खड़े हैं और अब आईडीएफ की नाक में दम करने को तैयार हैं। विस्तार से जानते हैं कि ये गुमनाम नाम कौन है और इनका इतिहास क्या है। अल अक्सा शहीद ब्रिगेड मुख्य रूप से वेस्ट बैंक से संचालित, गाजा में अभी भी सक्रिय है। अल नासिर सलाह अल दीन ब्रिगेड गाजा का तीसरा सबसे बड़ा समूह, वेस्ट बैंक में भी काम करता है। साल 2000 में इसकी स्थापना की गई। अबू अली मुस्तफा ब्रिगेड वेस्ट बैंक और गाजा से संचालित ब्रिगेड, ब्रिगेड रॉकेट बनाने में भी सक्षम। नेशनल रेजिस्टेंस ब्रिगेड इसराइल के साथ कई बार युद्ध किया, कई ब्रिगेड के साथ काम करने का अनुभव, गाजा में सबसे ज्यादा सक्रिय। जिहाद जिब्रील ब्रिगेड, ब्रिगेड सीरिया और गाजा से संचालित, फिलिस्तीन के लिए कई बार युद्ध किया, ब्रिगेड साल 1969 से लगातार एक्टिव। मुजाहिदीन ब्रिगेड मुख्य रूप से गाजा से संचालित, वेस्ट बैंक में भी ब्रिगेड के लोग एक्टिव, साल 2002 से लगातार एक्टिव। मतलब इस युद्ध में अब हमास अकेले नहीं है, इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए उसके साथ ऐसी कई ब्रिगेड हैं जिनके लड़ाके अब आईडीएफ को उसी के अंदाज में बारूदी जवाब देने को तैयार हैं। गाजा पट्टी में युद्ध का तरीका अब बदलने वाला है, क्योंकि एक तरफ हमास अपने सहयोगियों के साथ तैयार है तो इसराइल किसी तरह से गाजा को बख्शने के मूड में नहीं है। इजरायली फोर्सेस ने वेस्ट बैंक में भी हमास और उसके समर्थकों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखा। नवंबर की शुरुआत में ही वेस्ट बैंक के कई इलाकों में हमास लड़ाकों और इजरायली डिफेंस फोर्सेस की झड़प हुई, लेकिन 15 और 16 नवंबर को आईडीएफ ने वेस्ट बैंक साउथ वेस्ट जेनिन शाती अल इसाविया में बहुत बड़ी कार्रवाई की, और इसके साथ ही इजरायली फोर्सेज ने आर्मीनिया क्वार्टर में भी ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन के बाद आर्मीनियाई लोगों ने इजरायल फोर्सेज का विरोध शुरू कर दिया। क्या है आर्मेनिया क्वार्टर का मुद्दा और इसराइल को विरोध क्यों झेलना पड़ रहा है, जानिए इस रिपोर्ट के जरिए।
वेस्ट बैंक का क्षेत्र इजरायली नक्शे के भीतर है, लेकिन उसके कंट्रोल से बाहर भी। इजराइल कहता है कि वेस्ट बैंक में हमास के समर्थक हैं और उनके खिलाफ ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक वेस्ट बैंक से हमास के ठिकाने और उसके समर्थकों को खत्म नहीं किया जाता। नवंबर की शुरुआत में इजरायली फोर्सेस ने वेस्ट बैंक में हमास के लड़ाकों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया। वेस्ट बैंक के कई इलाके सुलग उठे, कई इलाकों में आईडीएफ पर हमले हुए। लेकिन 15-16 नवंबर को वेस्ट बैंक में इसराइल ने ऑपरेशन एक बार फिर तेज किया। ये वेस्ट बैंक की संकरी गली में इजरायली सेना का बुलडोजर है। दावा है कि ये हमास के ठिकानों और उनके समर्थकों के ठिकानों को नष्ट कर रहा है। और तभी एक जोरदार धमाका होता है। इसराइल के मुताबिक जेनिन कैंप में हमास समर्थक जेनिन ब्रिगेड ने बुलडोजर पर आईडी लगाकर उसे ध्वस्त कर दिया। 15 नवंबर को इजरायली फोर्सेस के बुलडोजर ने शांति कैंप में कैसी तबाही मचाई, ये देखिए। ये आईडीएफ का बुलडोजर वेस्ट बैंक के शांति कैंप में है। शांति कैंप के प्रवेश द्वार पर फिलिस्तीनियों के जो गाड़ियां खड़ी थी, बुलडोजर उन्हें कुचलता हुआ आगे बढ़ गया। इसराइल का दावा है कि ये गाड़ियां रास्ता रोकने के लिए लगाई गई थी, जिन्हें बुलडोजर ने कुचल दिया। और सेना के आगे बढ़ने के लिए रास्ता तैयार किया। वेस्ट बैंक में 15 नवंबर की रात जगह जगह गोलाबारी की आवाज आती रही। लेकिन इसराइल की नीयत पर सवाल उठ रहे हैं। दावा है कि वेस्ट बैंक में हमास के ठिकानों पर कार्रवाई के बहाने इजरायली फोर्सेस अपना कब्जा जमा रही हैं। ये इजरायल डिफेंस फोर्सेस का बुलडोजर है जो ओल्ड सिटी के आर्मेनिया क्वार्टर में ऑपरेशन चला रहा है। लोगों का आरोप है कि ओल्ड सिटी में आर्मेनिया क्वार्टर के अंदर इसराइल का ऑपरेशन गलत है। ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, इसे ओल्ड सिटी के नक्शे से समझिए। ये यरूशलम की ओल्ड सिटी का नक्शा है। ओल्ड सिटी में चार क्वार्टर हैं। एक है मुस्लिम क्वार्टर, दूसरा है ज्यूइश क्वार्टर, तीसरा है क्रिश्चियन क्वार्टर और चौथा है आर्मेनियन क्वार्टर। मुस्लिम क्वार्टर में हमास के ठिकाने हैं, लेकिन आर्मेनियन क्वार्टर में हमास के ठिकाने नहीं हैं। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि इसराइल किस नियत से यहां बुलडोजर और सेना भेज रहा है। 301 ईस्वी में आर्मेनियाई लोग आर्मेनियन क्वार्टर में रहा करते थे। यहां 2000 से ज्यादा आर्मेनियाई रहते हैं। चौथी सदी में ईसाई आर्मेनिया का राष्ट्रीय धर्म हो गया। यरूशलम की ओल्ड सिटी के ईसाई पवित्र स्थलों में आर्मेनिया की हिस्सेदारी है, लेकिन ओल्ड सिटी के दक्षिण पश्चिमी कोने में आर्मेनियन क्वार्टर को समेट दिया गया है। अब आर्मेनियन क्वार्टर को खतरा है कि आईडीएफ उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहता है। इसीलिए ओल्ड सिटी के दक्षिण पश्चिमी कोने में आईडीएफ के ऑपरेशन का विरोध हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बाईस साल पहले अमेरिका में 9/11 जैसे बड़े आतंकी हमले अंजाम दिया गया और जिससे पूरी दुनिया में इस वक्त देखा गया, उस दौरान देखा गया, लेकिन इस बार अमेरिका पर एटमी 9/11 अटैक करने का प्लान तैयार किया जा रहा है। ठीक वैसे ही जैसे 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने इसराइल में घुसकर किया, वो भी इसराइल के डिफेंस सिस्टम को नेस्त नाबूद करके।
और जानते हैं इस बार आतंकी संगठनों के टारगेट पर अमेरिका की अहम इमारतें या फिर मिलिट्री बेस ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ परमाणु सेंटर भी होंगे। मगर कैसे और सबसे अहम ये कि इस साजिश का मास्टरमाइंड क्या हमास बनेगा, आप खुद जानिए। अल्लाह इरहम जिदार। जिस तरह 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने इसराइल पर हमला किया, क्या ठीक वैसा ही अटैक अमेरिका पर हो सकता है? क्या इसराइल की तरह अमेरिका के रक्षा कवच को भेदा जा सकता है? क्या यूएस आर्मी के सैन्य अड्डों, मिलिट्री बेस, एटमी सेंटर को निशाना बनाया जा सकता है? क्या इसराइल के सबसे बड़े मददगार, सबसे बड़े हितैषी अमेरिका को बारूदी धमाकों से दहलाया जा सकता है? ये आशंका यूं ही नहीं जताई जा रही है। इसके पीछे की वजह है अमेरिका से ही सामने आई एक रिपोर्ट जिसमें दावा किया गया है कि कुछ आतंकी संगठन यूएस बॉर्डर को लांघने की तैयारी कर रहे हैं। मेक्सिको के रास्ते अमेरिका में घुसपैठ की साजिश रची जा रही है। आतंकियों के टारगेट पर अमेरिका के सैन्य और परमाणु अड्डे हैं। इतना ही नहीं, अमेरिकी मेन लैंड को भी टारगेट करने का प्लान है। हैरानी इस बात की है कि अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुल्क है, उसके रक्षा कवच को भेदना, अमेरिका में घुसकर हमला करना कतई मुमकिन नहीं है। ऐसे में ये आशंका क्यों जताई जा रही है, क्यों अमेरिकी रिपोर्ट में बड़ी आतंकी साजिश का दावा किया जा रहा है? तो आपको बता दें, जिस तरह हमास ने इसराइल के सुरक्षा घेरे को तोड़ा, इजरायली बॉर्डर पर मौजूद फेंसिंग और सुरक्षा सिस्टम में सेंध लगाई, उसके बाद से आतंकी संगठनों के हौसले बुलंद हैं। अमेरिका की तर्ज पर इजरायल का सुरक्षा घेरा मजबूत किया गया। अमेरिका की तरह ही इजरायल के बॉर्डर पर फेंसिंग लगाई गई। यूएस की तरह इजरायली बॉर्डर को सिक्योरिटी सिस्टम से लैस किया गया। और जिस तरह हमास ने महीनों की प्लानिंग के जरिए इजरायल के डिफेंस को ध्वस्त किया और 7 अक्टूबर को सबसे बड़ा और घातक हमला किया, उसे देखकर बाकी आतंकी संगठन अब अमेरिका को टारगेट करने का प्लान बना रहे। वही दावा यह भी किया गया है कि अमेरिकी बॉर्डर को लांघने के लिए, महाशक्ति के सुरक्षा कवच को भेदने के लिए तमाम आतंकी संगठन हमास की भी मदद ले सकते हैं। यकीन मानिए, अगर ऐसा हुआ तो फिर इसराइल की तरह अमेरिका में भी भीषण नरसंहार हो सकता है, एटमी तबाही भी मच सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। एक तरफ गाजा पट्टी में कहर बरस रहा है, दूसरी तरफ दुनिया के कई देशों में युद्ध के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। अमेरिका से लेकर लंदन तक लोग सड़कों पर हैं। कहीं इजरायली राजदूत को हटाने की मांग हो रही है तो कहीं युद्ध रोकने की पैरवी की जा रही है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के इस्तीफे की भी मांग हो रही है, तो अमेरिका में बाइडेन पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। कहीं सड़क पर प्रदर्शन,
want justice, you say hi. We want justice, you say hi. कहीं इसराइल का विरोध कहीं फिलिस्तीन का समर्थन कहीं संसद में युद्ध को लेकर वोटिंग। थैंक यू। इसराइल हमास युद्ध को लेकर दुनिया भर में चर्चा हो रही है। ये लंदन की तस्वीर है। सड़क पर एक साथ हजारों लोग निकले हुए हैं। किसी के हाथ में पोस्टर है, किसी के हाथ में फिलिस्तीन का झंडा है, किसी के हाथ में बैनर है जिस पर युद्ध के खिलाफ स्लोगन लिखे हुए हैं। लोग चाहते हैं कि अब इसराइल गाजा पट्टी पर आफत बरसाना बंद कर दे। सड़क पर खड़े लोग भले ही युद्ध के खिलाफ पैरवी कर रहे हैं, लेकिन यूनाइटेड किंगडम की संसद में बैठे नेता चाहते हैं कि अभी गाजा पट्टी में सीज फायर ना हो, इसराइल यूं ही कहर बनकर टूटता रहे। The eyes to the right, 125. The nose to the left, 293. So the nose have it, the nose have it. अमेरिका में भी इसराइल हमास युद्ध को लेकर लोग सड़कों पर हैं। मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द शांति बहाल हो। युद्ध रुक जाए। तस्वीर में प्रदर्शन कर रहे लोग यहूदियों का विरोध कर रहे हैं। पुलिस इन प्रदर्शनकारियों को बिल्डिंग में घुसने से रोक रही है। हाथों में माइक और बाइडेन के खिलाफ नारेबाजी। अल शिफा अस्पताल पर इजरायली अटैक के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। हजारों की संख्या में लोग व्हाइट हाउस के ठीक सामने खड़े हैं। जितने लोग उतने नारे। किसी के हाथ में फिलिस्तीन का झंडा है, किसी के हाथ में बैनर जिसके ऊपर लिखा हुआ है अब गाजा में युद्ध बंद हो, गाजा पट्टी को खाली किया जाए। आयरलैंड में भी लोग सड़क पर हैं। डबलिन की सड़कों पर खड़े ये लोग इसराइल के राजदूत को हटाने की मांग कर रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग दूतावास के सामने खड़े होकर आवाज उठा रहे हैं कि युद्ध बंद हो, गाजा पट्टी में फिर से पहले की तरह शांति लौट आए। दुनिया के ज्यादातर देशों में जो प्रदर्शन जारी है उसमें फिलिस्तीन के साथ लोग खड़े दिख रहे हैं और इसराइल के खिलाफ लोग खुलकर बोल रहे हैं। ज्यादातर जगहों पर लोग फिलिस्तीन की आजादी, गाजा की आजादी के नारे लगा रहे हैं। ये तस्वीर कैलिफोर्निया की है जहां इसराइल के खिलाफ कुछ प्रदर्शनकारी सिटी काउंसिल के मेंबर के सामने नारेबाजी कर रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है प्रदर्शन करने वालों ने अपने हाथ में कुछ कैश रखे हैं जो एक एक करके उनके सामने फेंक रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि गाजा पट्टी में इसराइल का अटैक अब बंद होना चाहिए। दुनिया के कई देशों और शहरों में पिछले कई हफ्तों से ये प्रदर्शन और नारेबाजी जारी है। बावजूद एशिया पैसिफिक इकोनॉमी कॉरपोरेशन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात इस वक्त चर्चा में है। सोशल मीडिया पर इस मुलाकात के बारे में तरह तरह की चर्चाएं हैं। चर्चा ये है कि बाइडेन के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इस मीटिंग में नर्वस दिखाई दिए, वो टकटकी बांधे बाइडेन को बोलते हुए देखते रहे और आशंका से घिरे रहे। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बैठक हुई। मेज के एक तरफ बैठे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दूसरी तरफ बैठे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। इस मीटिंग में बाइडेन ने बोलना शुरू किया और 2 मिनट 6 सेकंड तक बोले। लेकिन खास बात यह है कि इस भाषण के दौरान अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन लगातार एक टक बाइडेन को बोलते हुए देखते रहे। ब्लिंकन जो ज्यादातर शांत नजर आते हैं, लेकिन बाइडेन के बोलने के दौरान उनकी ये बेचैनी सोशल मीडिया पर चर्चा का कारण बन गई। किसी ने लिखा है कि एंटनी ब्लिंकन इस तरह बाइडेन को क्यों देख रहे हैं। रूस की सरकारी मीडिया आरटी ने एक्स पोस्ट में वीडियो शेयर किया और लिखा,
वेल मिस्टर प्रेसिडेंट, आपसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा, लेकिन ब्लिंकन ने पलक तक नहीं झपकाई। कहा जा रहा है कि ब्लिंकन के इस अशांति के पीछे आशंका थी कि बाइडेन कहीं कुछ ऐसा ना बोल दे जिससे अमेरिका और चीन के रिश्तों में कड़वाहट और ज्यादा हो जाए, और दावा है कि अंत में ब्लिंकन की यह आशंका सच साबित हो गई। मीटिंग खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाइडेन से सवाल पूछा गया। Look, he is. I mean, he's a dictator in the sense that he is a guy who runs a country that is. बाइडेन ने जैसे ही जिनपिंग के बारे में अपनी राय फिर दोहराई, ब्लिंकन की आशंका सच हो गई, और वीडियो में साफ दिख रहा है कि पहली कतार में बैठे ब्लिंकन हाथ मल रहे हैं, जबकि उनकी जैसी हालत किसी और की नहीं है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहे हैं और राष्ट्रपति के अप्रत्याशित व्यवहार से अशांत अमेरिकी विदेश मंत्री के हाव भाव पर चर्चा हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।